हेलो दोस्तों, हरे कृष्णा। तो कैसे हो आप सब? होप आप सब अच्छे होंगे। अभी उठा था मैं और मुझे पता लगा कि आज एकादशी है, क्योंकि मैंने मम्मी को फ़ोन किया। मम्मी कह रहे हैं आज एकादशी है, ध्यान रखियो। मैंने कहा मैं रात को ही बता देते। कह रहे नहीं, अभी शायद भूल गए होंगे। तो भाई आज एकादशी है, आज कुछ नहीं चलेगा बाहर का। वैसे तो खैर खाना वगैरह नहीं चलेगा, आज सिर्फ जूस पीने चलता हूँ मैं। और आज एक दो काम कर लेते हैं। दिवाली भी आ रही है भाई, घर पर जा रहा है दिवाली पर। तो चलो अभी फ़िलहाल चलते हैं यहाँ पे, पहले जूस पी लेता हूँ मैं। हाथ मुँह धोता हूँ, अभी उठा ही हूँ बस। उठते ही मैंने व्लॉग बनाया, मैंने कहा मैं उठते ही व्लॉग बनाता हूँ। हाथ मुँह धोता हूँ, ब्रश वगैरह करता हूँ, फ्रेश होता हूँ, फिर मैं निकलता हूँ। तो मैं हो गया हूँ रेडी, सारा काम डन कर दिया है, जो खाना पीना था वो भी खा लिया है, और बस अब निकलते हैं। ठीक है, चलो मेरे साथ। अभी मैं पहुंचा हूं सोक मदीना की पार्किंग में, पर मार्केट है। चलो मार्केट में चलते हैं। ये मार्केट है यहाँ की, थोड़ी अलग सी है, बस इसको घूमते हैं आज। अभी मैं मार्केट से बाहर आया हूं, बहुत सही व्यू है यहाँ पे, और उधर का सामने बुर्ज अल अरब है, वहाँ पे वो दिख रहा है। बस उसके साथ ही ये सारी मार्केट है जितनी भी है ना। देखने में आपको ऐसे पुरानी लग रही होगी, लेकिन ये बनाई हुई है ऐसी सारी। ये मार्केट ऐसी है, बस कुछ भी है यार। इनका पानी बहुत साफ होता है, देखो नीचे तक दिख रहा है। हो सकता है यहाँ से कोई फेरी वगैरह जाती हो, कोई बोट वगैरह चलती हो, पता नहीं है वो मुझे, मेरे को। लेकिन बहुत अच्छा बना रखा है। सबसे सही चीज़, बैठो यहाँ पे, वीडियो बनाओ और पीछे तक सेम व्यू। ये मेरे को अच्छा लगा बहुत ज़्यादा, यहाँ बैठ के ना वीडियो बना के। मैंने कहा फिर आपको सामने बिल्कुल बुर्ज अल अरब दिख रहा है, वही सेवन स्टार होटल, उसके बिल्कुल सामने मैं बैठा हूँ सीढ़ियों पे। यहाँ पे आज धूप नहीं है तो इतनी गर्मी भी नहीं लग रही, और वैसे भी मौसम चेंज हो रखा है तो बहुत अच्छा है मौसम अब। बस अब हम अंदर जाएंगे मार्केट में, थोड़ा मार्केट एक्सप्लोर करते हैं, घूमते हैं, फिर उसके बाद देखो फिर निकलते हैं, टाइम होता है तो। क्योंकि हमारे पास अब सिर्फ और सिर्फ एक दो दिन ही बचे हैं। कॉल आ चुका है घर से कि दिवाली इंडिया में मनानी है, यहाँ पे नहीं तो फिर इंडिया ही चलेंगे। वैसे भी मेरे को इंडिया ही जाना था, अब बहुत दिन हो गए यार यहाँ पे, कुछ ज़्यादा ही दिन, ओवर ही दिन एक्सटेंड कर लिए, ओवर ही कर लिए। एक्चुअली हमने जाना तो पहले था, हमने और 10-15 दिन एक्सटेंड कर लिए। तो बस अब जल्दी से जल्दी यहाँ से निकलते हैं, एक दो दिन एक्सप्लोर करते हैं, उसके बाद दिवाली इंडिया में मनाते हैं। तो चलो, इस बार मेरा यार दिल था वो करने का, स्काई डाइव करने का। लास्ट टाइम मैंने स्काई डाइव की थी यहाँ पे पाम में की थी, अच्छी थी। तो इस बार मेरा दिल था अबू धाबी में करने का, लेकिन यार टाइम की वजह से ना हम जा नहीं पाए, क्योंकि अभी जाना भी है वहाँ पे। जाने के लिए कम से कम एक दो दिन तो चाहिए है ना, एक्सप्लोर करेंगे जाएंगे, स्पेशल स्काई डाइव के लिए तो नहीं जाया जाएगा। तो इसलिए देखो कभी नेक्स्ट टाइम या फिर कहीं और करेंगे। तो चलो अभी चलते हैं यहाँ से। मैं घूम रहा था यहाँ पे, एकदम से धूप आ गई, अब चलो छाया में आ जाओ, बस अब अंदर चलते हैं। यहाँ पे धूप बर्दाश्त नहीं होती यार, बहुत ही ज़्यादा गर्मी है ना, तो मौसम अच्छा भी है फिर भी धूप नहीं बर्दाश्त होती, थोड़ी छाया में बंदा रह भी लेता है। प्यास लगने लगी, मैंने कहा भाई अपना तो एक फ्रेश ऑरेंज जूस जूस पीता भाई। कुछ भी बोलो, इधर के ना फ्रूट्स बहुत फ्रेश होते हैं, आपने जूस निकलते देखा नहीं है, बिल्कुल फ्रेश ऑरेंज जूस होता है वो। देखो कैरेट पड़ी है, गाजर कैसी, फ्रेश चीज़ें हैं सारी। प्यास लग रही थी, ऊपर से एकादशी भी आज, तो मैंने कहा कि आज ऑरेंज जूस मंगाते हैं भाई। इतनी मोटी तो इन्होंने रखी हुई है, ये तो शेक वगैरह के लिए होती है। जूस भी लिया, बहुत टेस्टी था, और मैंने भैया से पूछा कि यहाँ पे बोट भी चलती है वो, जो क्योंकि पानी है ना, कह रहा हाँ चलती है, बट टूरिस्ट के लिए, बस घूमने के लिए ही है, एक लाइक एक फेरी एक राउंड दे के फिर दोबारा वहीं पे छोड़ देते हैं। तो चलो अगर दिखती है तो बोट देखेंगे यहाँ पर। मैं इस साइड आया था मैं जूस पीने के बाद, बोट देखने के लिए आ गई, इतने में आ गई बोट। ये शिकारा टाइप है, ये वाली बोट है भाई, सही है, यही घूमती है यहाँ पर, ज़्यादा बड़ी नहीं है, छोटी बोट है। उस साइड नहीं थी, अभी इसी साइड आया, यहाँ से टिकट लेनी पड़ती है बोट के लिए, फिर मिलती है बोट। चलो एक बार देखते हैं कितनी टिकट वगैरह पूछ के, फिर बोट में भी एक राउंड लेते हैं, कैसा है व्यू, कैसा आता है बोट से। ज़्यादा गहरा तो नहीं है पानी, अगर कोई स्विमिंग करने के लिए बोलेगा ना तो मैं कर लूँगा यहाँ पे। ये लगी है बोट से यहाँ पे। चलो भाई टिकट ले लिया मैंने, अब 50 दिरहम पर है टिकट है ये बोट टूर की। अब देखो कितने मिनट करवाते हैं, 2:45 पर हमारा टाइम है, अब आते कितने बजे देखते हैं। बहुत ही प्यारा व्यू है यार, जबरदस्त व्यू है।
ये सारी राइड अपने को 20 मिनट की पड़ेगी पूरी की पूरी, 20 मिनट में पूरी राइड हो जाएगी, उसके बाद निकलते हैं बाहर। ऐसा लग रहा है जैसे क्रूज खड़ा हुआ है वहाँ पे, लेकिन वो भी एक बिल्डिंग है। चलो एक छोटा सा ट्रिप दे देता हूँ फटाफट आपको बोट का, आप उसको एंजॉय करो। बहुत बढ़िया है ये, जितनी प्रॉपर्टी है ना सारी की सारी गुर्जर लग रही है, इतनी सारी प्रॉपर्टी दिख रही है आपको, बहुत बढ़िया है। अरे सारा मैन मेड है, जितना भी है कोई नेचुरल नहीं है, सभी मैन मेड है। और बीच में एक दिखा था होटल था, पूरा महल जैसा था, बड़ा ज़बरदस्त होटल था। बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस था इसका, बीच में कुछ होटल्स आए हैं वो तो और भी ज़बरदस्त थे। तो पानी सारा का सारा ये मैन मेड बना रखा है, जितनी सारी प्रॉपर्टी है ना सारी की सारी बुर्ज अल अरब की है। देख के बहुत अच्छा लगा यार, ग्रीनरी इतनी सारी है, और भी बीच में ना होटल्स बन रहे हैं, इसमें काफ़ी कुछ है यार, बीच में रेस्टोरेंट भी हैं अल अरब। और ये है उसका हेलीपैड, यहाँ पे शूट हुए थे कुछ, और आज भी शूटिंग चल रही है वहाँ पे, सारा आ रखा है सामान शूटिंग का। आपने देखा इसका व्यू, अब मैं आ गया हूँ पार्किंग में, अब निकलते हैं यहाँ से। बहुत बढ़िया था यहाँ पे भी, दिल था यहाँ पे आने का एक बार राउंड लगाने का, कुछ भी छूटना नहीं चाहिए ना, तो इसलिए यहाँ पे भी आया था। मैं आया था एक मॉल में घूमने के लिए, तो यार मेरे ना पैर में बहुत ज़्यादा दर्द होना शुरू हो गया लास्ट वाली उंगली में ना, वही जो प्रॉब्लम सी अटकी हुई है, पता नहीं क्यों क्या हो रहा है, शूज़ नहीं पहने जा रहे और एक खा रहे हैं उंगली को लास्ट में। तो भाई मैं चप्पल पहनूंगा अभी यहाँ पे, चप्पल लेके और ये शूज़ पैक करवा लूँगा, ये करना पड़ेगा। ये भाई चला भी नहीं जा रहा था यार इसको पहन के, पता नहीं क्या दिक्कत होगी। तो रखिए यहाँ पे ये वाली, मेरा बहुत दर्द कर रहा है, तो भाई चप्पल ही पहनूंगा मैं कुछ दिन, तो अब शूज़ नहीं पहनूंगा, शूज़ को अवॉइड करता हूँ मैं, ना जाए जी मैचिंग के चक्कर में पहन के आ गया। अब ये हाँ ये डाल लिया, अब ये ठीक है, चप्पल में घूमेंगे। तो ये भाई ये सेटल है, ये सही लग रही है, मेरे को बुरा हो गया था मेरा तो यार, अब ओके रिपोर्ट है। अब हम टहल सकते हैं यहाँ पे, घूम सकते हैं। महिंदा का नंबर क्या है, 46 चार दिन की है ये लेगा अभी। चलो भाई ले लिया, 5 दिन गए, एक दिन नीचे आएगा। नंबर क्या है, 46 चार दिन नीचे भाई। चलो भाई अब चलते हैं यहाँ से, मॉल में घूम लिया जितना घूमना था, ये मेरे को अच्छी लगती है मिरिंडा, इसमें पी लेता हूँ। चलो हम आ गए हैं घर, होटल में उतर के नीचे आए, थोड़ा सामान लिया सुपरमार्केट से, अब जा रहे हैं ऊपर, एक गच्चक भी ली है तो यहाँ पे खाते हैं, क्योंकि मैंने कहा देख लें जितने भी दिन हैं अभी यहाँ पे, दोबारा देख लें कैसा है सुपरमार्केट। चलो अब चलते हैं ऊपर दोबारा, फिर व्लॉग का करते हैं एंड, आज का दिन यहीं पे समाप्त करते हैं। तो ठीक है दोस्तों, आज का जो व्लॉग है यहीं पे ख़त्म करते हैं, अभी एडिट करने के लिए बैठूंगा मैं, चेंज करता हूँ, मिलते हैं कल नए व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, हरे कृष्ण। लाइक शेयर सब्सक्राइब प्लीज़ करते रहना आप लोग।